स्वस्थ इंच के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे छोटी छोटी चीजें जो हम अपने पूरे दिन के कार्यों में करते हैं उनकी वजह से हमारे को लॉन्ग टर्म हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है और धीरे धीरे हमें पता भी लगता क्या हम ऐसा गलत कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें ऐसे बदलाव आ रहे हैं, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, हमें क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। इसके कुछ पहलू मैंने अभी अपने जर्नी के अंदर देखे और जैसे कि मैं डेली मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, मैं उस वक्त देखता हूँ काफी ऐसी सारी चीजें, उनके कुछ ग्लिम्प्स मैं आज आपको दिखाना भी चाहता हूँ, स्पेशली ये बताने के लिए कि क्या चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें ऐसी तकलीफें हो रही हैं। हालांकि ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं और धीरे 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 एक ऐसा स्वरूप लेती है जिससे हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। और चलिए अब चलते हैं अपने आज की लर्निंग की ओर और देखते हैं कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर बदलाव कर रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा, देखिए आजकल हम चलना पसंद ही नहीं करते हैं, चलना पसंद क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर हमारे पास एस्केलेटर की तो हम एस्केलेटर का इस्तेमाल करेंगे, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी है हमारे पास लिफ्ट की तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी है हमारे आउटसाइड सोर्सेज के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, कि हमें खूब सारे स्नैक्स मिल रहे हैं, बल्कि आपको चीजें दिखाई जाती हैं, आपका मन ललचाया जाता है कि आप आए और उन चीजों को लें और वही चीज खाई जाए। और आप देखें जितनी भी ओवर द काउंटर चीजें मिल रही हैं, आप कोई भी कियोस्क ले लें, आप ले लें मेट्रो का कोई भी जंक्शन, उसके अंदर आप देखेंगे ज्यादातर में आपको फास्ट फूड मिलेगा। और बाहर जाके भी आप देखें, जो भी ग्रोसरी शॉप में जिसमें आप शॉपिंग करते हैं उसके अंदर देखें, ज्यादातर आपको डिस्प्ले पर जो भी चीजें मिलती हैं वो सारी चीजें ऐसी ही मिलती हैं जिससे कि आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा मिले, न्यूट्रिशन ना के बराबर मिले, और जिसकी वजह से हमारा अब स्वास्थ्य वैसा हो गया है। और यही मैंने आपको दिखाया कि एक व्यक्ति जो अच्छे से फल बेचना चाहता है और उसके पास इतने बढ़िया क्वालिटी के सीजनल फ्रूट हैं, उसके पास तो कोई भी व्यक्ति ही नहीं है, कोई ग्राहक ही उसके पास नहीं है। और दूसरी जगह आप सबने देख ही लिया कितने सारे ग्राहक मौजूद भी हैं, खुश भी हैं, स्पेंड भी करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनकी सेहत को भी आराम से देखा होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर ही हमारी पूरी दिनचर्या बनाती हैं, हमारी आदतें बनाती हैं, और धीरे 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 जब समय बीतता जाता है और अगर हमें ऐसी आदतों की लत पड़ गई है तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। मैं इसके अंदर किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं बताता, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, कृपया अपनी इन छोटी छोटी आदतों को सुधारें। अगर आप इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनको बेहतर करते हैं, तो आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर कभी आपका ऐसा खाने का मन भी कर रहा है तो आप नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, आप उन्हें खाइए, आप उन्हें इंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी अपनाएं जिसकी वजह से आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़े। आप पैदल ज्यादा चलें, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप साइकिल का इस्तेमाल करें, आप अपनी एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल बनाएं। तो अगर आप ऐसी चीजों से उनको बैलेंस भी करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज से ही अपनी इन छोटी छोटी आदतों पर काम करेंगे और उनके ऊपर जीत पालेंगे और इनको बिल्कुल कम से कम कर देंगे। और जहाँ जरूरत होगी तभी आप, मैं कहूँ, लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, एस्केलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और जब बहुत ज्यादा मन कभी कर जाए या किसी पार्टी में ही, आप ऐसे दूसरी चीजें जो खाने की हम कहें हमें बहुत ही कम लेनी चाहिए
इनका भी इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपनी दूसरी आदतें सुधार लें और अपने एक्सरसाइज का पैटर्न भी और अच्छा कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं या आपको कहीं और क्लैरिटी भी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।